अस्सलामु अलैकुम यूट्यूबर्स नाज़रीन अजवक यासिर करीम चैनल की तरफ से और तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से आप सबको एक नया साल मुबारक हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि ये साल हम सब के लिए बेहतरीन साबित हो,
और जो हमारी परेशानियां हैं, हमारे मसाइल हैं, उनको कम करने में अल्लाह पाक हमारी मदद अता फरमाए। तो आज हमने एक इस नए साल को ख़ास अंदाज़ में मनाने की कोशिश की, जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, लेकिन अल्लाह पाक ने एक मेरे अंदर एक सोच डाली, मुझे एक राह दिखाई। तो मैं एक हमारे इंतहाई मुकद्दस मकाम, एक मस्जिद फैज़ान मदीना, जहाँ से करोड़ों लोग मुंसलिक हैं, राह हिदायत पा रहे हैं, वहाँ कुछ मेरे भाई मेरे दोस्त यहाँ पे बिल्कुल मेरी तरह ही पहली दफ़ा आए, एक नए साल के लिए, उसकी शुरुआत के लिए, और एक आम इंसान की डगर से बिल्कुल हट के अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेते हुए साल का इख्तिताम किया और एक नए साल की शुरुआत की। तो मैं इन दोस्तों से आपका तारुफ कराना चाहूँगा और इनके ख्यालात, इनकी सोच आप तक पहुँचाना चाहूँगा, ताकि और लोग भी इससे मुतासिर हो सकें और हिदायत पा सकें। तो अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम मोहम्मद भाई आपका नाम? सलमान। भाई जैसा कि मैंने अभी तहमीद बांधी, अब मैं आगे बोलना नहीं चाहूँगा, मैं आपके ख्यालात जानना चाहूँगा, ताकि एक आम इंसान तक पहुँचे कि आप यहाँ पे क्यों ये पहुँचे और आपने क्या हासिल किया और आप लोगों को क्या एक तरह से हिदायत करना चाहेंगे, पैगाम देना चाहेंगे। हम सबको यही पैगाम देना चाहेंगे मेरे भाइयों, जैसे कि हम यहाँ इंशाल्लाह 2022 में दाखिल हुए और 2023 में यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो यहाँ आके बहुत सुकून मिलता है, और बाकी जितने भी मेरे दोस्त मेरे भाई मेरे जानने वाले जिनको मैं नहीं जानता, मैं उनको भी ये पैगाम दूंगा, यहाँ आए यहाँ आके दीनी बातें सीखें और जो भी मामलाते हैं वो देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये एक मुबारक मौका है, मुबारक लम्हा है, अल्लाह पाक ने हमें एक नया साल अता किया है। तो माशाल्लाह आपके ख्यालात बहुत बहुत माशाल्लाह अच्छे हैं, अल्लाह पाक आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। तो भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई आपका नाम? मेरा नाम नदीम है। तो भाई यही मैं आपके ख्याल जानना चाहूँगा, आप एक आम इंसान को, आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर पैगाम मैं ये देना चाहूँगा कि ये जगह जो है बहुत पाक जगह है। जितने लोग इस वक्त 2023 की तैयारी बाहर कर रहे थे, हमने 2023 को यहाँ पे खुशामदीद कहा, तो यहाँ पे हमें ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे हम बैठे रहे तो हमारे नामे अमाल में नेकियाँ लिखती रहीं, गुनाहों से हम बचे रहे, सबसे बड़ी बात तो ये। और हमारा 2022 अल्लाह के घर में इख्तिताम हुआ है, 2023 जो है अल्लाह के घर में हमारा आमद हुई है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अब अल्लाह ताला जो है हमें 2023 में अपने बड़े घर काबा शरीफ की भी ज़ियारत कराएगा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपकी दिली मुराद को पूरा करे। तो बस यही ख्वाहिश, लोगों से यही है कि बाहर बैठने से बेहतर है कि यहाँ आ जाए, क्योंकि मस्जिद में बैठना जो है वो आपके नामा में सिर्फ नेकियां लिखी जाती हैं, गुनाह बच जाते हैं, बंद हो जाते हैं, बच जाते हैं आप गुनाहों से ना। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। एक हमारे और भाई हैं, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। यही आपसे पैगाम है कि आप आम आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस नए साल के हवाले से, इस खास मकाम एक मस्जिद में खड़े होके? मैं यही बोलना चाहूँगा खाली आवाम से कि जो हमारे लोग हैं बुराइयों में लगे रहते हैं, नए साल के जो ये फायरिंग वगैरह इन सब में लगे रहते हैं, उनको ये सब नहीं करना चाहिए। फैजान मदीना में आना चाहिए और ये यहाँ पे अच्छी बातें जो होती हैं वो सुन के उन पर अमल करना चाहिए। मुझे ये जानना, एक ख्वाहिश पैदा होगी कि आपको क्या सबक मिला है, आपने यहाँ से इन चंद लम्हात में क्या हासिल किया है, ताकि वो आप आम आवाम तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी कुछ इससे हासिल कर सकें। पिछले साल जो थे हम लोग गए थे तो वहाँ पे समझे बुराइयाँ थी, हम लोग वहाँ घूम रहे थे, मगर यहाँ इस साल जब आए हैं तो इस साल अच्छी आदतें हैं, ये जो है इनका आदत है और इनकी जो लफ्ज़ होते हैं इनकी जो सूरतें होती हैं वो सुनना चाहिए, वो बेहतर है, वो जो घूमना फिरना है वो बेहतर नहीं है। देखें बिल्कुल एक वाज़े फ़र्क है कि पिछले जो साल आपने जो है वो एक आम इंसान की तरह मुख्तलिफ जो उनकी मसरूफियात होती हैं, मशगूलात होती हैं, उनमें गुजारा, और ये नया साल आपने बिल्कुल एक नए अंदाज़ में एक नए इंसान के साथ गुजारा। बहुत अच्छे माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई मोहम्मद आपका नाम? वसीम। यही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इस मकाम पे खड़े होके इस साल के अख्ताम पे और एक नए साल की शुरुआत पे क्या हासिल किया? माशाल्लाह से हम यहाँ आए, यहाँ हमने दीन सीखा और 2022 का जो इख्तिताम हमारा ख़त्म हुआ, इख्तिताम हुआ, माशाल्लाह हमने फैज़ान मदीना में गुजार के जो
बहुत सुकून महसूस किया। और 2022 हमारा इख्तिताम हुआ है, उससे हम दिल से सुकून है कि हमें दिल से सुकून है कि हम अल्लाह के घर में थे और हमें बहुत राहत मिली। 2023 का हमारा स्टार्ट हुआ, उसके अंदर भी हमें यह सुकून है कि हमने अल्लाह के घर में इबादत करके उसके स्टार्ट किया है। तो मैं दूसरों को भी यही कहूँगा कि जितने भी हैं हमारे यार दोस्त मोहल्ला जितने भी हैं सबको कि छोड़ दें आतिशबाजी। जो लोग बाहर अभी भी बाहर पटाखे आतिशबाजी इधर घूमना उधर घूमना हंसी भी हो ये वो कुछ नहीं रखा, यहाँ आएँ दीन सीखें। हजरत साहब जो कहते हैं वो बात दिल में उतर जाती है, जो वो बात कहते हैं दिल में उतर जाती है और उस पर अमल करने से और सुकून मिलता है। तो माशाल्लाह हमें यहाँ आएँ बहुत सुकून मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि जो मैंने हासिल किया है वो ये है कि अल्लाह के नाम में सुकून है। आप अपने आप को अल्लाह के नाम के साथ जोड़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर पुरसकून हो जाएगी। ये हमारी तरफ से हमारे दोस्तों की तरफ से इस पाक मुकद्दस मकाम की तरफ से एक पैगाम है कि अपने आप को अल्लाह के नाम से जोड़ें और अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल करें और तमाम परेशानियों से आप जो है वो महफूज हो जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक और दूसरे इंसानों को भी इस मकाम पर लाने की तौफीक दे और दिल में रोशनी और हिदायत डाले। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, ये नया साल हम सब के लिए मुबारक साबित हो। प्लीज़ बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।